नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान में। कैसे हैं सभी? आपकी परीक्षा यानी मुख्य सेविका एग्जाम थी, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान थे कि सर कब होगा, और उससे भी पहले जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर शॉर्टलिस्टिंग कब होगी। तो दोनों ही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मुख्य सेविका का A to Z सोल्यूशन सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। बहुत अच्छे से तैयारी आपकी कराई जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मुख्य सेविका की यहां पर मिलती है। अगर मैं बात करूं कि शॉर्टलिस्टिंग और एग्जाम डेट की, तो आयोग ने अभी जल्द ही डिसाइड ये कर लिया है कि जनवरी माह तक किसी भी कीमत पे हम इसका मुख्य सेविका का पेपर कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन बच्चों एक बात समझना कि UP SSC मूड बना रहा है जनवरी में कराने का, और हम ये पूरा मान के चलेंगे कि जनवरी में क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है। और हालांकि UP SSC के आयोग है वो प्लान करता है, लेकिन प्लान से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जाएगा। अगर उसने जनवरी बोल दिया है, वो तो जनवरी मिड वीक में बोल रहा है, बट हम इसे मान के चलेंगे कि अगर ये बहुत खींचेगा तो जनवरी के लास्ट वीक तक मैक्सिमम, जनवरी के लास्ट वीक तक ये मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, डेट मान के चलो आपका पेपर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का पेपर है, सिलेबस बहुत छोटा है। अब आप इसमें पूरी ताकत झोंक दो, आपके पास पूरा नवंबर बचा हुआ है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, और जनवरी में जितने दिन मिल जाए, मतलब आपके पास मिनिमम 70 से 75 दिन है, और केरल से केवल 20 टॉपिक है, और सारे टॉपिक मुश्किल से 2-3 दिन में खत्म होने वाली है। देखा जाए तो मैंने कोर्स में भी आपका पूरा का पूरा कोर्स लगभग समाप्त होने के कगार पे है, मुश्किल से 8-10 क्लास में, और आपका 14-15 तारीख नवंबर तक सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसके रिवीजन और मॉक टेस्ट पे बहुत दम लगाने वाले हैं। रही बात बच्चों आपका प्रश्न रहता है कि सर शॉर्टलिस्टिंग कब होगी, तो जब इसने जनवरी में अगर वो कर लिया है, तो इसका मतलब नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये मान के चलिए कि इसकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि बच्चों अभी क्या मैं बता दूं कि UP SSC आयोग में काम किसका चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट 2016 के फाइनल लिस्टिंग का काम चल रहा है, कि वो जो विभाग आवंटन है उसका काम हो रहा है। उसके बाद देखा जाए तो पीईटी के रिजल्ट पे काम हो रहा है, इस पे OMR जो हो रहे हैं स्कैन हो रहे हैं, OMR स्कैन हो रहे हैं, लगभग 40-50 हजार स्कैन हो गया है, लेकिन फिर भी 40-50 हजार और कहां पे 25 लाख, अगर देखा जाए तो अभी 1 लाख भी नहीं हुआ है, तो कम से कम 50 गुना अभी स्कैनिंग बाकी है ये मान के चलना। तो ये OMR स्कैनिंग का काम चल रहा है। उसके बाद JA2 यहां पे पहले लोअर पे काम चल रहा है, लोअर 2019 पे काम चल रहा है, तो ये तो 3 लगातार पैरेलल काम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आयोग के पास कई सारे काम हैं, लेकिन इन बिटवीन ये अगर देखा जाए तो जे 2016 15 नवंबर तक क्या कर देगा, फाइनल लिस्टिंग दे देगा, उसके बाद नवंबर लास्ट तक जो लोअर का दे देगा, उसके बाद पीटी का आपका जनवरी में रिजल्ट दे देगा। तो ये आपका जो है बीच में जो समय मिलेगा दिसंबर वाला, दिसंबर महीने में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने कट ऑफ वाले होंगे, कितने पीटी का कट ऑफ क्या जाएगा इसके लिए, तो बच्चों फॉर्म बहुत कम फिल हुआ है, इसमें बहुत कम फॉर्म पड़े हैं। मान के चलो कि जो 10 नंबर 15 नंबर भी पीटी वाले अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी तो शॉर्ट लिस्टिंग भी पता चलेगा, बट अभी भी अगर आपके 10-15 नंबर हैं तो आप तैयारी जारी रखो, कुछ दिन की बात और है, ऐसा ना हो कि आपका नाम भी आ जाए और आप वहां पे तैयारी छोड़ दो। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, अभी नहीं तो आगे काम आएगा, आपके पास डिग्री है और ये पद आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि अंतिम समय है, ना ही कुंभ का मेला है कि 12वें साल पे आएगा, इस कारण से आप पढ़ते रहो। रही बात क्या हो सकता है संभावित कट ऑफ, तो जब फॉर्म ही कम पड़े हैं, कंपटीशन ही कम है, तो मात्र कुछ ही बच्चे, और देखा जाए पद भी अच्छे खासे हैं, तो कुछ ही बच्चे होंगे जो शायद 100 में 80 75 70 नंबर लेके आए, जो एवरेज आएगा वो 55 60 के आसपास आएगा, और हमेशा जो कट ऑफ होता है वो एवरेज से थोड़ा ऊपर होता है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 55% से 60%, यानी 100 में से एक अनुमान मात्र है 55 से 60, बाकी सारे आंकड़े जो बदलेंगे वो पेपर को देख के आपके अटेम्प्ट कैसे हैं, और उसका पूरा एनालिसिस में डीप लेके आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसका कट ऑफ क्या होगा, बट आप मान के चलो 55 से 60 नंबर अगर आप 100 नंबर में ले जाते हो तो हो जाएगा। और ये कहां से लाते हो, आपके पास 20 टॉपिक है जिन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक आपका क्या साइंस वाला होम साइंस वाला पार्ट, एक आपका समाज वाला पार्ट, और एक आपका मिसलिनियस जिसमें मुख्य सेविका है और आपके एजेंसीज वगैरह हैं, इनको ले लिया जाए। तो देखा जाए तो साइंस वाले पार्ट जो आप रेगुलर पढ़ते रहते हो, और अगर आपका बैकग्राउंड भी रहा है तो वहां से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। जैसे आपका क्या होगा, वहां पे कॉमन कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे भोजन के आवश्यक घटक हो गए, ये वाला टॉपिक हो गया, और
यहां पे अगर टीकाकरण की बात हो गया, यहां से आपके जो होंगे प्रतिरक्षा हो गया, यहां से फिक्स क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखा जाए तो आपका समाज वाला है, यहां से भी लगभग फिक्स क्वेश्चन बनेंगे। एजेंसीज से स्टैटिक डेटा पूछेगा। तो ये तीन चार टॉपिक है जहां से आप नंबर कर सकते हो, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से आप पॉइंट से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो एक बार शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आने के बाद। इसके अतिरिक्त यदि आपके बच्चों कोई भी प्रश्न है तो आप बिना झिझक के नीचे नंबर जो चल रहे हैं पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप जल्दी या एक बार में आप उसका आंसर पाने के लिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हो। टीम पूरा प्रयास करेगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और आपके जो भी प्रश्न है वो आपके उसको उत्तर मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ भी पहुंचा दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का।